You're right. Once they started, तो या और आप भूलते नहीं हैं. अगर आप पे किसी ने आपके साथ कुछ गलत आज किया है, वो 25 साल के बाद भी मिलेगा, आपको याद होगा कि मैं माफ कर देता हूं. मैं पंजाबी में कहते हैं कुंडीबाज. कुंडीबाज कुंडी होती है. माफ कर देता हूं, भूलते नहीं है. और इनको बट नेवर फॉरगेट, ये लोगों को पहचान भी लेते हैं. You said it in a high standard way, I said in LS way. Low society. तो ये लोगों की पहचान अच्छे तरीके से रखते हैं और ये इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं. Like इनको टाइम लगता है. Good at reading people. Oh yes, and then he can also take the energy. जो इनके आसपास के लोग होंगे, वो इनको अच्छा फील करा सकते हैं और इनको बुरा फील करा. Company. Yes. मैं अब कहीं आया हूँ, माहौल अच्छा है, लोग अच्छे हैं, तो बहुत मजा आएगा. नहीं है तो फिर आज चार जो है, इसका मतलब है आज का माहौल अच्छा है. आज का माहौल अच्छा है. गुड सेट. और इस सेट की एनर्जी है अच्छी. मतलब बहुत सारे शोज पे आप जाते हैं, आप टाइम देख रहे होते हैं, अच्छा आधा घंटा रहे मेरी. अच्छे. अच्छा, इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप का जो लोगों से इंटरेक्शन है, उसके अंदर आप बहुत सारे लोगों से बात ही नहीं करते. लाइक आप अनअप्रोचेबल किस्म के भी बहुत सारे लोगों की तरफ. Ooh. मतलब ये ही कम्स ऑफ एज एन अनअप्रोचेबल पर्सन, जैसे हर कोई आके इनसे बात नहीं करेगा. तो कुछ लोग आपके बारे में जो इमेज बनाते हैं ना, रूड है, बहुत रूड इनका. एक्चुअली वो मुझे ऐसा होता है कि आई डोंट फील लाइक, कि मुझे लगता है कि मुझे जगह नहीं जाना, बिल्कुल इस तरफ मामला ले जाना ही नहीं है. तो वो फिर उन्हें शायद ऐसा लगता होगा अनअप्रोचेबल. मुझे ऐसा लगता है बात करने के बाद वो चीज खराब होने से बेहतर है. आपके फीचर्स भी ऐसे ना, थोड़े से वो वाले, थोड़ा सा यूं करें, आइए स्टीमी. अच्छा, साथ में ओवरथिंकर भी आप हैं. आप एक्सट्रीमली, मतलब ये एंड बिल्कुल सेम लाइक हर, आई हैव वॉर्स इन माय हेड. यस, और एक्सट्रीम थिंकिंग है. मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, तो जो इनका ज्यादा से ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको आपके स्वयं तक ले जाऊंगा. I'll not kill you. I'll prepare a swim. Yes. खवातीन के साथ आपका अच्छी बातचीत होती है, आप उन्हें समझते हैं. Steamy. और he's it's not steamy, but it's like you understand them and you understand their emotions. यानी आप उनकी कोई खवातीन आप के पास आके आपको अपने जज्बात आराम से समझा सकती हैं कि मतलब if they are feeling some way, तो इसमें कोई बुरी, they feel secure. Secure. Yeah, yeah, yes. Very yes. 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 Good, good quality. Thank you. I think I can vouch for that. Yes. Very good. Yeah. Very yes. Good. Yes. Yes. तो काफी खवातीन के मसले मसाइल भी हल करते होंगे आप, जो इमोशनल मसले होते हैं या किसी के कोई नफ्सियाती मसले हैं, वो भी आप आराम से. Actually, my wife is a psychologist. Yeah. तो मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत ने उसने भी काफी चीजें सिखा दी. जबरदस्त. तालियां भाई. Thank you, Sumaira. Thank you so much for your wonderful insight. Thank you. Into our guests. बहुत सारे shows पे been there और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें होती हैं. But you have done it amazingly. अरे वाह, it was so much fun. 100 में से कितने? मुझे लगा था आप आएंगी और देंगी. लेकिन कैसी है इनकी 100 में से? I think 200%. 200. यार इसको भी मैंने पैसे दिए. But no, seriously, there were a lot of things. And वो जिस कहते हैं ना, जिस तरह से आपने बात की, जिस तरह सारी चीजें हुई, अच्छा मजेगा था. Exactly. And you know the way she was explaining ना, उससे आपको खुद नहीं पता होता कि आप अपना आपको जान जाते हो. अरे तो इसीलिए तो सब आवाजें लगाते हैं, इसीलिए तो बाकी सब. Thank you, Sumaira. Inshallah, see you again. Fatino Graz, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का. ब्रेक से जब वापस आएंगे, हमारे सेगमेंट्स का सिलसिला जारी रहेगा. We'll see you after a real short break. Thank you. ओ रब्बा, ओ रब्बा, कभी समझ ना आई क्यों है मिलन के बाद जुदाई. एक पल में जो कभी दिल में था बसता, क्यों हो गया हर जाए. अभी के अभी हारी, मैं हारी, हारी मैं हारी तेरे बिना, मैं हारी सजना. जिंदगी सारी कैसे गुजारी तेरे बिना, मैं हारी सजना.
थैंक यू। वाह, क्या जबरदस्त आपकी आवाज में ना, एक पता है नवीद, आई एम श्योर आप भी इस बात से अग्री करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स होते हैं लेकिन इमोशन नहीं होता। इमोशन है, इमोशन है। आई थिंक इमोशन इज इमोशन इज द की एंड आई एम ग्लैड इफ यू आर सेइंग दैट, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम लगा है इमोशन अपनी आवाज में लाने को। अच्छा, बिकॉज ये होता था शुरू शुरू में जब मैं गाती थी, सीधा होता था वो। सीधा इसलिए होता था कि लोग मुझे बार बार यही आके बोलते थे, आपको कभी प्यार हुआ है, आपका कभी ब्रेकअप हुआ है। अब ये चीज़ें मैंने लाइफ में, मैंने आपको बताया ना, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी लास्ट रिजॉर्ट फॉर मी, सो आई नेवर एक्सपीरियंस दीज थिंग्स, सो दे ऑल वर फ्रस्ट्रेटिंग मी बाई सीइंग ऑल दीज थिंग्स। देन आई वॉज लाइक, यार मैं ये फीलिंग कहाँ से लाऊँ। तो फिर मुझे जो है ना, मैं जब भी गा रही होती थी तो मेरे दोस्त या मेरे मैनेजर मुझे, थिंक अबाउट योर कैट, थिंक अबाउट फलाना। अच्छा, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट पेन वेयर आई लूज एनिमल्स बिकॉज आई रेस्क्यू देम, सो उनकी डेथ हो जाना, उनकी बीमारियाँ, तो दैट इज ऑल्सो पेन दैट इज अनबेयरेबल। सो देन दे आस्क्ड मी टू चैनल दिस थिंग थ्रू दैट। शुक्र है, जबरदस्त यार, थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिंगर्स का हमेशा सुना ना कि हार्ट ब्रेक, स्ट्रगल इन लाइफ, ट्रेजेडीज का भी होता है। हाँ, कि यार कि वो भी अपने इमोशंस उस तरह से चैनल करते हैं, गॉन थ्रू सम सॉर्ट ऑफ ट्रेजेडी। बट यू नो, इमोशंस खाली आप अपने लवर के साथ तो नहीं एक्सपीरियंस करते, दोस्त के साथ भी करते हो, पेरेंट्स के साथ भी करते हो, भाई बहन के साथ भी। सो बहुत सारे फैक्टर्स है, तो इमोशंस लव्ड वंस या फिर अल्लाह के साथ भी आपके इमोशंस हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपने ओएसटीज बहुत ज्यादा नहीं किए ड्रामों के। वेरी वेरी लिमिटेड। इसकी क्या वजह है? ऑफर्स आती हैं, आप खुद से नहीं करती? नहीं, नॉट रियली, आई मीन पैसे ज्यादा चार्ज कर लेती हैं आप? नहीं, पैसों का भी नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि एक तो मेरे पास